हेलो चिल्ड्रन वेलकम बैक टू ऑल आज मैं कक्षा आठ सुप्रभातम संस्कृत पाठ माला से लास्ट चैप्टर निर्दोषा रचना जो कि एक कथा है पढ़ाने जा रही हूँ इसमें हम देखेंगे विशेषण और विशेष्य का प्रयोग निर्दोषा रचना दोनों ही स्त्रीलिंग शब्द हो गए तो आइए देख लेते हैं इसमें विशेषण और विशेष्य में जो हमारी लिंग और विभक्ति होती है वो हमारी सेम यूज होती है तो आइए देखते हैं लेसन द्वे मित्रे आस्ताम आगम और अचल दो मित्र थे आगमय स्वभावेन आस्तिक ईश्वर से च परमो भक्त है। आसी। आगम स्वभाव से आस्तिक और ईश्वर का परम भक्त था स प्रकृत्या सर्वा रचना निर्दोषा मनते स्म वह प्रकृति की सभी रचनाएं निर्दोष युक्त मानता था बच्चे जहाँ जब यहाँ पे ऐसे आ जाए मन स्म तो यानी कि ये लंग लकार में आ रहा है जब स्मह पे विसर्ग आ जाए तो यानी कि ये क्रिया है लेकिन अब यहाँ पे क्या है मन स्म तो यानी कि लट लकार के साथ जब स्मह का प्रयोग आ जाए तो मानता था जैसे वस्ती स्म रहता था ठीक है तो ये लंग लकार में हो जाता है अमन्य परंतु, परंतु अचल है दोष दर्शी परंतु अचल दोष देखने वाला था तसे ईश्वरों प्रति श्रद्धा अपनी न उसकी ईश्वर के प्रति श्रद्धा भी नहीं थी प्रति के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग प्रति से पहले एकदा उभे मित्र भ्रमणाए उद्यानम् आगछता एक बार दोनों मित्र घूमने के लिए बाग गए भक्त है आसिफ अब ये लाइन तुम्हारी गलत है इसमें ये लाइन का कोई यूज नहीं है मार्गे वृक्षान दृष्ट अचल अवदत रास्ते में पेड़ों को देखकर अचल बोला मित्र मम मतानुसारे ईश्वर से रचना त्रुटिपूर्ण हे मित्र मेरे मत के अनुसार ईश्वर की रचना त्रुटिपूर्ण है यानी कि गलत है ईशान कालिंदा नाम कुष्मांडा नाम च लता पश्य इन तरबूज और पेटों की लताओं को देखो कद्दू भी कह सकते हम इसको कई लोग कद्दू कहते हैं कई लोग पेठा कहते हैं ईतासु शीणासु दुर्बलासु च है स्थूल फलानी उत्पाद्य इन कमजोर लताओं पर इन कमजोर लताओं पर, कमजोर और दुर, दुर्बल लताओं पर ईश्वर ने मोटे फल उत्पन्न कर रहा है ईश्वर मोटे फल उत्पन्न कर रहा है, यानी कि बड़े बड़े फल उत्पन्न करता है जम्बू आदिशु स्थूल वृक्षेशु सूक्षणी फलानी सन्ती और जामुन जैसे बड़े पेड़ों पर छोटे फल हैं ईश्वर से यह रचना दोष युक्त रचना ईश्वर की यह रचना दोष से युक्त है दोष दर्शी अचल हैं शिर्षा खलवाटे आसी दोष देखने वाला अचल सिर से गंजा था बच्चे जब भी कोई गंजा किसी भी अंग में विकार हो तो तृतीय भक्ति का प्रयोग होता है जैसे यह यहां पे यह गंजा था तो शीर्षा यानी कि यहाँ पे तृतीय भक्ति का प्रयोग हो गया आतपीन तो पीड़ित तो हरित विशालस्य च वृक्ष से अध अगछता वे दोनों पीड़ित हरे और बहुत बड़े पेड़ के नीचे चले गए तदेव शिरसि त्रीणी आम्र फलानी अपतन तभी सिर से तीन आम के फल गिरे क्रंदन वह पीड़ा से रोते हुए बोला शिरसि वज्रपातो अभवत अरे सिर पर वज्रपात हुआ पुनः ईश्वर से धन्यवाद कृतवा मुखात निशृतम प्रभो फिर ईश्वर का धन्यवाद करके मुख से निकला हे प्रभु तब रचना दोष हीन अस्थि तुम्हारी यह रचना दोष से हीन है यदि अस्मिन वृक्षे कालिंदानी भवेयु यदि इस पेड़ पर तरबूज होते तही मम शिर खंड से तो मेरे सिर के टुकड़े हो जाए हो गए होते आम खलु बुद्धिहीन अस्मि मैं निश्चय ही बुद्धिहीन हूँ <laughs> ईश्वरम प्रति मम श्रद्धा नास्ति ईश्वर के प्रति मेरी श्रद्धा नहीं है तदा आगमे अकथत तब आगम ने कहा सत्यम इदम सच ही कि ईश्वर की रचना ईश्वर की, की रचना निर्दोष है सच है कि ईश्वर की रचना निर्दोष है परंतु अज्ञान तस्य व्यक महत्वं न जानीमे परंतु अज्ञान के कारण से हम उसके हम उसे ठीक हम उसके महत्व को ठीक से नहीं जानते मूल्य क्या है सत्य में ही उत्तम सच ही कहा गया है श्रद्धावान लबते ज्ञानम श्रद्धावान यानी कि श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त करते हैं श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को ज्ञान को लबते प्राप्त करते हैं तो ये इसके शब्दार्थ अर्थ हैं आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं लर्न करने के लिए पर अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से कर सकते हैं लेकिन यहाँ से पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ से भी लर्न कर सकते हैं। आइए इसका भी अभ्यास देख लेते हैं ये कुछ और शब्दार्थ है ये भी देख लीजिए। वैसे जब भी आप लेसन पढ़ें, तो लेसन पढ़ने से पहले एक बार आप शब्दार्थ वन और टू टाइम जरूर रीडिंग लें ताकि आपको जल्दी जल्दी लेसन समझ में आए और एक्सरसाइज करने में भी हेल्प मिलती है फर्स्ट क्वेश्चन शुद है शुद्धम उच्चारणम कुरु शुद्ध उच्चारण कीजिए परमो भक्त है प्रकृत्या दृष्टवा मतानुसारेण दुर्बला स्थूल आकृतां खलवाट है समय निर्दोष रचना कथाया आदर्श वाचनम कुरु निर्दोष रचना कथा का आदर्श वाचन कीजिए यानी की कि स्टोरी अब आपने खुद ही पढ़नी है तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विकल्प में उचित उत्तर चुनकर लिखिए परमो भक्त का सही संधि विच्छेद क्या है परम है अब आपने ये वाला नहीं देना कहीं आप सोचो कि मैडम ने कहा था ये वाला हो सकता है अगर इसमें ऐसा आ जाता अवग्रह रूप तब हम कर सकते थे ये वाला तब हमारे दोनों करेक्ट हो जाते लेकिन जब इस तरह से दे रखा हो परमो भक्त है तो आपने परम है भक्त है ही करेक्ट करना है नेक्स्ट आया शीण लता हा, में विशेषण पद है तो विशेषण पद क्या हमारा शीणहा तो हमारा राइट आंसर हुआ शीण ठीक है नेक्स्ट लेते हैं ईश्वर की संपूर्ण रचना कैसी है तो ईश्वर की संपूर्ण रचना कैसी है निर्दोष तो ये हमारा राइट आंसर है मंजूषाया एक पदीन उत्तर मंजूषा से एक पद में उत्तर दीजिए आग में अचलष्ट के आस्ताम आगम और अचल अचल कौन थे कौन थे मित्र थे तो ये हमारा में आ गया क्या दोषदर्शी आसी कौन था दोषदर्शी अचल कुश कुंडी फलानी वृक्षेशु लतासु व लतासु। जंबू फलानी की वृक्षाणी संति, सूक्ष्मानी तो घ में ईश्वर से रचना की दृश्य अस्थि निर्दोष मैंने यहाँ नहीं लिखे या आप स्वयं लिख लेना मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए लेकिन बच्चे इस अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आ, आने वाली आगे भी जो वीडियोस मैं डालूंगी उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे पूर्ण वाक्य न हालांकि ये पूर्ण वाक्य न उत्तर लेकिन मैं आपको लिमिटेड आंसर बताऊंगी आप एग्जाम में पूरे लिखिए लेकिन मैं यहाँ पे इनके आंसर बताऊंगी ठीक है देख कहा गए थे वो उद्यानम आप ये भी लिख सकते हो उद्यानम और ये भी लिख सकते हो उद्यानम भ्रमणाए बाग में घूमने के लिए ठीक है भ्रमणाएं भी लिख सकते हो और सिर्फ उद्यानम भी लिख सकते हो अचल पीडिया ग्रंथनम की मवदन उसने क्या कहा था हा शिरसी हा शिरसी वज्रपातो अभवत तू तो कुत्र विश्राम अक्रुताम वृक्ष से अधय ये मैंने पहले से लिख दिए फटाफट पट, ताकि तुम्हारी वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए कस्य शिरसी वज्र पातो अभवत अचल से नेक्स्ट क्वेश्चन इज विशेषण विशेष पद समुचित मेलनम क्रिय विशेषण विशेष पद का सही मिलान कीजिए <coughs> आस्तिक किए रचना हरित मित्र द्वे सॉरी हरित वृक्ष मित्रे सूक्ष्मी फला नेक्स्ट है प्रश्न निर्माण करिए द्वे मित्रे भ्रमणाए उद्यानम् अगछतम दो मित्र घूमने के लिए कहाँ गए बाग गए ना तो हम क्या लिखेंगे कुत्र आप पूरा लिखिए द्वे मित्रे भ्रमणाए कुत्र और यहाँ लगाइए क्वेश्चन मार्क। तौ मार्गे विक्षान अवश्यताम तो क्या लिखोगे तऊ मार्गे कान अवश्यताम क्वेश्चन मार्क। लता दुर्बला संति तो लता कैसा शब्द है स्त्रीलिंग है बहुवचन है ये तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा स्त्रीलिंग का किम शब्द रूप का कहा स शिरसा खलवाट है अस्थि वह से गंजा है तो कैसा है वह से कैसा है की दृश्य है ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पद पहले मैं आपको बता देती हूँ और फिर मैं लिख दूंगी प्रकृतिया प्रकृति शब्द है स्त्रीलिंग है तृतीय विभक्ति एक वचन है वृक्षान वृक्ष भ्रिक्ष शब्द है पुलिंग है द्वितीय विभक्ति बहुवचन आतपेन आत तृतीय विभक्ति सॉरी पुलिंग तृतीय विभक्ति एक वचन तो आइए लिख देती हूँ फिर बताती हूँ तो ये मैंने लिख दिया है अब आप इसको देख सकते हैं और इसको यहां से लर्न भी कर सकते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं तो आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कथान क्रमेण वाकयानी पुनर्खत अब ये जो हमारे पास जो हमने कथा पढ़ी थी उसकी कुछ लाइनें दी होंगे जो हमें रीअरेंज करनी है कि सबसे फर्स्ट नंबर में कौन सी लाइन आई थी तो हमें इसको सबको पढ़ना पड़ेगा तो मैं तो आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले लाइन कौन सी आई थी आग में ईश्वर से परमो भक्त आशी तो आप ये वाली लाइन लिख लेना मैं डैश डैश कर रही हूँ नेक्स्ट लाइन कौन सी आई थी यदि अस्मिन वृक्ष कालन्दिनी भवेयू थर्ड नंबर पे कौन सी लाइन आई थी ईश्वर से रचना दोषयुक्त दोष दोषयुक्त नहीं है नेक्स्ट कौन सी आएगी अहम बुद्धि अस्मि पूरी कर लेना एंड लास्ट कौन सी आएगी वयम तस्य सम्यक महत्व न जानी में हम उसके महत्व को ठीक से नहीं जानते ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण वक उत्तर केन कारणेन जना ईश्वर से रचना दोषपूर्ण न पश्यंती किस कारण से लोग ईश्वर की रचना को दोषपूर्ण देखते हैं अज्ञान कारणेन मैंने यहाँ पे केन का आंसर दे दिया है बाकी आप आगे सारा यही का यही लिख लीजिएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरणानुसार दी गई संख्याओं के संख्या विशेषण दिए गए वर्गों में लिखिए है दक्षिणम यानी कि बाई ओर से बाई ओर से क्या है जैसे फिफ्टी सिक्स थर्टी सिक्स यानी कि फिफ्टी सिक्स की, की स्पेलिंग आपको यहाँ लिखनी है थर्टी सिक्स की यहाँ लिखनी है तो क्या लिखेंगे फिफ्टी सिक्स की शत पंचाशत तो ये तो आप कर ही लेंगे अगर आपको काउंटिंग नहीं आती तो आपको लर्न तो करनी पड़ेगी तो इसके लिए आप मेरे वहां जा सकते हैं संख्यावाचक संख्यावाचक में ठीक है और हम थर्टी सिक्स को क्या लिखेंगे यानी कि यहां से यहां लिखनी है तो ये श्रीशत ये ट अलग आना था लेकिन मैंने इकट्ठा लिख दिया तो देख लेना है इसी तरीके से सिक्सटी नाइन क्या हो जाएगा एक ऑन ठीक है इसी तरीके से आप ये कर लीजिएगा मैं बता देती हूं आपको फोर्टी थ्री को क्या लिखेंगे आप त्रे चतर मुझे ऐसे लगता है कि आप गलत मत कर देना बस आप इन सब की काउंटिंग लिख लेना ठीक है जैसे कि हम सिक्स को क्या बोलेंगे शर्ट दस को शर्ट हंड्रेड को शतम थर्टी को त्रेस फिफ्टीन को पंचदश 60 को सी चार को चतवार और एट्टी फोर को चतुशी नाइनटीन को एक ओन भी लिख सकते हो एकोन का मतलब क्या होता है एक ऑन एक ऑन ऊन का मतलब कम होना यानी कि एकोनवंशति बीस में एक कम एक और तरीका भी अकाउंटिंग लिखने का जैसे आपने लिखा सेवनटी टू अब सेवेंटी टू को हम पहले क्या लिखेंगे टू में लिखेंगे प्लस सेवनटी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा द्वा सप्तति द्वा इसको बोलेंगे और यहाँ पे सप्तति कर देंगे वैसे हमारा क्या होता है काउंटिंग में द्वे होता है होता होता है होता है मूल शब्द हमारा द्वि तो हम यहां पे सप्तति सप्तति की बजाय क्या लिखेंगे ऐसे सपोज हमारा आ गया थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स को हम कैसे लिखेंगे सिक्स प्लस थर्टी तो सिक्स को हम क्या लिख देते हैं शट और थर्टी को त्रिश तो ये एक बड़ा ही इजी तरीका है लर्न करने का बस आपको टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी इनकी स्पेलिंग आनी चाहिए उसके बाद इजी हो जाता है तो इसके लिए आप काउंटिंग लर्न कर लेना वन टू हंड्रेड तो आपका बहुत इजी हो जाएगा ये आपका लास्ट चैप्टर था मेरे पास इतना टाइम नहीं मिला कि मैं आगे का भी सॉल्व कर पाती लेकिन आप नेक्स्ट क्लास में जा रहे हैं या आपके कोई सिस्टर हैं ब्रदर हैं जो भी आपकी बुक लगी हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं उस बुक को अपलोड कर दू ओके चिल्ड्रन टेक केयर बाय बाय गुड लक